दोस्तों फिलहाल आपको देखने का नया अपडेट मिल रहा है हमारे कंवरिया पथ का, जो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अभी सुल्तानगंज कांवर यात्रा जो है किस प्रकार से झारखंड में कंवरियों का दुकान बनना चालू हो चुका है। चारों तरफ से देख सकते हैं दुकानें का काम चालू हो गया है, धीरे धीरे काम हो रहा है। इधर भी मान के चलें आप लगभग दुकानें बन चुका है, रोड में बालू बिछा हुआ है, काफ़ी लगभग अच्छा माहौल बना हुआ है क्योंकि महज 22 जुलाई से सावन चालू होने वाला है, उसको लेकर के सावन को लेकर के तैयारियां काफ़ी ज़ोरों से चले जा रहा है। लगभग जैसा लगता है कि सावन आ चुका है और इधर भी दुकानें बनना आ चुका है। हम लोग अभी फ़िलहाल जो आपको अपडेट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं झारखंड के बॉर्डर के पार आ चुके हैं और हम लोग जो है अभी सरासनी के पास यानी कि भूत बंगला गेट के पास आ चुके हैं और आपको भूत बंगला गेट के पास से लगभग जाने वाले हैं, उसका आपको अपडेट दिखाने का प्रयास करेंगे। तो अभी जो है हम लोग भूत बंगला गेट के पास पहुंचने वाले हैं, किस प्रकार से कंवरियों को मिलेगा सुधार और क्या क्या कुछ नया अपडेट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कामें जो है लगभग जोरों से चल रहा है, दुकानें वगैरह जो है बनना चालू हो चुका है, काफ़ी कंवरिया खुश होने वाले हैं क्योंकि इतनी सारे दुकान कभी नहीं बने थे। जो इस साल का जो कंवरिया पथ देखने को मिलेगा आपको, कुछ अद्भुत देखने को मिलेगा और कुछ नया देखने को मिलेगा क्योंकि इस बार जो कंवरिया में काफ़ी बदलाव आ चुका है और बदलाव आने के अंतर्गत यहाँ देख सकते हैं सारे जो है मिट्टी डालने जा रहे हैं, बालू जो डाला गया उसके अंतर्गत जो है मिट्टी डालने का काम किया जा रहा है ताकि जो है बालू का बहाव नहीं हो सके। तो आप देख सकते हैं आपको हमारे कैमरे के माध्यम से दिखाने का अपडेट प्रयास चैनल के माध्यम से हो रहा है और आप चैनल को फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि दूसरे भी इस अपडेट को देख पाए। हमारा अपडेट होता है आपको दिखाना और दिखाने का प्रयास करना, जो कि आपको अभी दिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं। सुल्तानगंज महत को लेकर के 108 किलोमीटर की दूरी जब भी कंवरिया करते हैं तो उसमें बड़ा ही सुकून महसूस होता है क्योंकि रास्ते में अगर उनको बालू मिल जाए तब रास्ते का आने की सुविधा अगर अच्छा रहे तो उनको थकानी दूर हो जाता है और काफ़ी लगभग महसूस होता है। तो फिलहाल अभी आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि झारखंड में जो क्या स्थिति है और झारखंड में कंवरियों के लिए क्या क्या सुविधा दिया गया है, क्या क्या जो है बनाए जा रहे हैं, सारे पंडाल बन चुके हैं, किस प्रकार से यहाँ पर तैयारियाँ किया जा रहा है, दोनों साइड जो है दुकानें किस प्रकार से लग रहे हैं और क्या क्या कुछ नया अपडेट देखने को तैयारी मिल रहा है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बालू गिर चुका है और बालू गिरने का जो है काम काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है, आप इधर भी देख सकते हैं काफ़ी लगभग जो दिखाने का प्रयास भी आपको कर रहे हैं और इधर भी जो है सारे दुकानें जो बनना चालू हो चुका है, देख सकते हैं बहुत तेज़ी से किया जा रहा है ताकि जो है कंवरियों के लिए सुविधा मिल सके और बहुत ही अच्छा लगे। हर हर महादेव। आप लोग लिखें और आप लोग कमेंट करें कि आप लोग कहाँ कहाँ से बम आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से देखने के लिए आ रहे हैं और सुल्तानगंज इस बार कौन यात्रा में आ रहे हैं, आप लोग कमेंट जरूर करें क्योंकि आप लोग कमेंट करने से हम सहायता आपकी कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो कहाँ कहाँ से आप लोग वीडियो को देख भी रहे हैं ये भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग लगभग इतना दूर की दूरी आ चुके हैं और सारे जो सुविधा देखने को इस प्रकार जो मिल रहा है काफ़ी बनावट काफ़ी अद्भुत देखने में लग रहा है। इस बार का जो पंडाल काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, माहौल काफ़ी अच्छा बना हुआ है, आप देख सकते हैं काफ़ी दुकानें जो है बनना चालू हो चुके हैं और दुकान जो है बहुत ज़ोरों से बन रहा है और काफ़ी लगभग बनाया जा रहा है अच्छे। बालू जस्ट अभी डंप हुआ है और बालू जो है यहाँ से गिरने का काम चालू हो चुका है, आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों आपको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से यहाँ जो है बालू गिरने का चालू हो चुका है, रास्ते का अतरा आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जो है झारखंड में बालू बहुत ही स्पीड से गिराया जा रहा है और यहाँ जो है काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर काम चल रहा है क्योंकि तेज़ी से चलने के बाद जो है झारखंड का काम काफ़ी स्पीडली हो जाता है और यहाँ का अतरा आपको देखने को मिल रहा है कि जो है बालू गिरने चालू हो चुका है झारखंड में भी और बहुत स्पीड से यहाँ पर बालू गिराया जा रहा है ताकि कंवरियों के लिए सुविधा मिल सके। और कितना दूर तक गिरा हुआ चलिए आपको हम दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। लगभग आने की झारखंड में जो है 90% बालू गिर चुका है और पूरे रास्ते का अपडेट आपको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो है बालू गिरा हुआ है और बालू जो गिरने का काम अभी जो है कितना स्पीड से चल रहा है आप देख सकते हैं। पूरे रास्ते का वीडियो आपको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। झारखंड में जो है बालू का गिरना महज काफ़ी बहुत अच्छा माना जा रहा है और देखने में अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं जो है बालू कितना अच्छा गिरा हुआ, लगभग कदम कदम पर गिर चुका है यानी कि झारखंड की धरती में बालू गिर चुका है और बालू गिरने का यहाँ पर जो है काम चालू हो चुका है, आपको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले कितना दूर तक गिरा वो भी आपको दिखाने का अपडेट हम कर रहे हैं क्योंकि बहुत दूर तक बालू गिर चुका है, आप देख सकते हैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।
कि लगभग जोर तक यहाँ आ चुका है। और यहाँ आने के बाद जो है बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है, क्योंकि बालू बिछने का यहाँ पर जो है काम हो चुका है। और किस प्रकार से यहाँ पर काम हो रहा है, चलिए आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, काफ़ी लगभग यहाँ जो है काम हो चुका है। और इधर भी जो है ज़ोरों से काम किया जा रहा है। काम होने के बाद जो अपडेट होता है ताज़ा, बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है। आई होप आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं। बालू जो गिरा हुआ किस तरह से देखने में लग रहा है, और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं, नीचे झरना भी चलता है, काफ़ी अद्भुत बना हुआ है, काफ़ी शौकले लगता है देखने में लगता है। और झारखंड में जो है बालू गिरने का काम चालू हो चुका है, और बहुत तेज़ी से यहाँ पर जो गिराया जा रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है, कि करके गाड़ी जो है यहाँ पर बालू गिराया जा रहा है डंप करके, और सारे जो है काम स्पीड से हो रहा है।